सब्सक्राइब करें निवेश सक्सेना चैनल को और साथ ही बेल आइकन दबाएं मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज निवेश सक्सेना, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं। सो गाइस, आज का एक टॉपिक है, अभी गाड़ी का मैंने आगे का विंडशील्ड शीशा चेंज कराया है जिसमें टैग लगा हुआ था। तो होता क्या है, हम लोग सोचते हैं कि टैग किसी तरह रीयूज कर लें अगर एक्सीडेंट केस में ऐसा होता है। मेरे साथ क्या हुआ था कि इसमें जैसे मैं पहाड़ पे घूमने गया था तो एक बम्पर से रोड़ी निकल के इस पर आग लग गई, तो हुआ क्या वहाँ से वो क्रैक हो गया। तो मैंने अभी इंश्योरेंस क्लेम में डाला, तो मैंने उनसे बोला सर वहाँ पे जहाँ पे सर्विस सेंटर वालों को कि मेरे को अपना टैग निकाल के दे दो, तो उनने टैग के लिए मना कर दिया, कह रहे सर वो हम आपको दे नहीं सकते निकाल के, वो ख़राब ही हो जाता है एक बार ही लगाने के बाद। तो मैंने कहा आपको बताया जाए, कई लोग टॉपिक ढूंढते हैं कि हाउ टू रिमूव टैग, मैंने भी कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे तो फाइनली उसमें कुछ रिजल्ट मिला नहीं। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आज ये बताने वाला हूँ कि आप टैग को रीयूज़ कैसे कर सकते हैं। मैंने अपना नया तो मंगा लिया है पर आप उसको यूज़ दोबारा कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एज एन प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी कि मतलब नेक्स्ट टाइम आपको अगर आपकी गाड़ी का शीशा टूट गया तो आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको पुराने वाला दिखाता हूँ और वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए मैं आपको पुराने वाला टैग का दिखाता हूँ। उनने पूरा शीशा मेरे को काट के दे दिया है कि वो टैग आप निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो उनने पूरा शीशा जितने एरिया में टैग लगा हुआ था वो उनने निकाल के मेरे को दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, गाइस आप देख पा रहे होंगे जिस एरिया में मेरा टैग लगा हुआ था ये टैग उनने मेरे को दे दिया है कि सर आप इसको अगर कर सकते हो रीयूज़, अगर इसको निकाल सकते हो तो आप निकाल लेना। पर ये ऑलमोस्ट जितनी मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं उसमें इसको निकालना नामुमकिन ही है। अगर मैं इसको निकाल भी दूंगा तो ये जो इसमें मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी हुई है RFID, इसको मैं बिल्कुल छेड़ नहीं पाऊंगा। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे तो वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो टैग मैंने नया अपना ऑर्डर कर दिया है और मेरा ये पेटीएम से लिंक है तो मैंने पेटीएम से दोबारा ऑर्डर कर दिया और जो टैग है वो मेरे को 100 रुपये में दोबारा नया आ गया। तो वो लगाएंगे पर उसको लगाने से पहले क्या क्या हमारे को प्रिकॉशंस लेने हैं कि आप उसको दोबारा रीयूज कर पाओ। तो चलते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं ये मेरा नया वाला पेटीएम से जो फास्टैग होता है वो आ चुका है और इसको हम खोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकिंग आती है। तो अब होता क्या है गाइस, मैं आपको समझा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं इसको निकाल के सीधा विंडशील्ड पे पेस्ट करते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है, मैं अब आपको बता रहा हूँ इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप वीडियो देखते रहिए, मैं आपको सारा बताता हूँ। तो गाइस आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। जैसे कि मोबाइल की लेमिनेशन वाली टेप होती है, जैसे हम फ़ोन पे पहले लेमिनेशन कराते थे, तो ये वाली टेप लेनी है और ये देख लेना आप टैग का वैसे साइज़ ज़्यादा बड़ा है नहीं और ये कुछ इस तरीके से लग जाए। तो ये आप देख लें। तो पहले होगा क्या कि ये वाली जो फिल्म होगी ये हमारे शीशे पे लग जाएगी और बैक साइड से हमारा टैग लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ कैसे करना है। तो ये ज़रूर देख लेना है कि इसमें जो पेस्टिंग साइड है वो फ्रंट शीशे की तरफ है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस ये मैंने टैग को निकाल लिया और टैग को मैं इस पन्नी के बिल्कुल सेंटर में पेस्ट कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया टैग हमारा पेस्ट। तो ये देख सकते हैं हमारा टैग इस पन्नी के ऊपर फिक्स हो गया है। तो अभी हमारे को क्या करना है, अभी हमारे को इसकी पूरी कटिंग करनी है। तो गाइस इसकी कटिंग करनी है तो मैं इसी को एकदम स्केल की तरह यूज कर लेता हूँ। स्केल है नहीं मेरे पास, तो बिल्कुल जैसे यहाँ पे एंड हो रहा है तो इसको थोड़ा सा गैप देके आपको कटिंग करनी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग होगी। ये हो गया कट, अब चारों साइड से हमारे को करना है। ये भी कट गया,
और ये भी काट दिया हमने। सो गाइस अब जो भी बच रहा है इसको आप पूरे स्क्वायर में अच्छे से काट लें। ये देखिए ये पूरी इसकी कटिंग हो चुकी है और मैं इसको एज इट इज अब विंडशील्ड पे पेस्ट कर दूंगा। इससे होएगा क्या, अब मैं कभी भी मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होती है और शीशा टूटता है तो मैं इसको इजीली रिमूव कर सकता हूँ। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, मैं आपको उसमें लगा के दिखाता हूँ इसको अब लगाना कैसे है। चलिए गाइस इसको अब कैप को अंदर गाड़ी में लगाते हैं, आओ। सेम प्रोसेस दोहराएंगे, जैसा कि आता है वैसे ही हमें हर को इसको लगाना है। तो अब प्रोसेस उल्टा हो गया, हमने इसमें करा क्या है कि इस पे आगे टेप लगा दी है। अब हमारे को आगे वाली जो टेप है उस टेप को रिमूव करना है और टैग को फिक्स कर देना है। तो ये देख सकते हैं ये टैग के आगे की जो पन्नी है इसको मैं रिमूव कर रहा हूं और ये हो गई रिमूव। और जो टैग है जैसे हम लोग लगाते हैं वैसे ही इसको आगे पेस्ट कर लेंगे हम। सो भाई इसमें क्या होगा, अगर आपको ये जगह भी पसंद नहीं आ रही है तो ये आप पन्नी से उखाड़ के इसको यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, यहाँ लगाना है, जहां आपका मन करे वहां लगा लेना। अब इसमें क्या होगा, आपके एक तो 100 रुपए बच गए, ठीक है 100 रुपए बच गए, प्लस इन केस कभी आपका विंडशील्ड टूटता है तो आप इसको निकलवा के अपने पास सेफ रख सकते हैं और रीयूज में दे सकते हैं, अपने 100 रुपए भी बचा सकते हैं। तो होता क्या है, अब जैसे मेरी गाड़ी में यहाँ इस साइड एक छोटा सा गड्ढा हो गया था, जो डंपर होते हैं उस पे से कंकड़ उछल के यहाँ लग गया था। तो यहाँ से जब लग गया तो इनने शीशा मेरे को रिप्लेस तो कर दिया है, तो अब उनने मेरे को टैग नहीं दिया था, तो ये मैंने टैग अच्छे से पेस्ट कर दिया है। तो चलो मैं आगे से भी दिखाता हूँ आप टैग की विजिबिलिटी पूरी है या नहीं है, कल को कोई स्कैन करने में दिक्कत ना आए। तो गाइस आप देख पा रहे हो जो टैग है उसकी विजिबिलिटी पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है, स्कैन वगैरह होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।